सर्जिकल स्ट्राइक पर उंगली उठाना देश हित में नहीं, सैनिकों की वीरता पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के टौनी देवी में मंडल भाजपा द्वारा आयोजित कारगिल विजय दिवस समारोह में ये बात कहते हुए देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए और अब तक के हुए युद्धों में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीर जवानों को प्रणाम किया और शहीदों के परिवारों को नमन किया। वहीं हमीरपुर के बरोहा में भी बीजेपी ने कारगिल दिवस मनाया और इस कार्यक्रम में विधायक नरेंद्र ठाकुर ने शिरकत की और शहीदों के परिवारजनों को सम्मानित किया। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने इस अवसर पर उपस्थित पूर्व सैनिकों एवं अन्य लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिन लोगों को ज्ञान की कमी है वह वेतु की बातें कर वीर सैनिकों के साहस और पराक्रम की गाथा सर्जिकल स्ट्राइक को जुमला स्ट्राइक का नाम दे रहे हैं। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि 1947-48 में जब भारतीय सेना ने कुछ समय मांगते हुए कहा था कि सुबह तक पूरा पाक अधिकृत कश्मीर हमारे कब्जे में होगा, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जो कहा कि सेना सीज फायर कर दे, हम अपना कश्मीर यूएनओ में ले लेंगे, वह सबसे बड़ा जुमला था। तब यदि सेना को वक्त दे दिया गया होता तो बाद की 1962-1965-1971 तथा 1999 की लड़ाइयां ना लड़ी जाती। अभी हाल ही में जब भारत और चाइना की फौज डोकलाम में अपने आमने सामने खड़ी थी, तब राहुल गांधी का देश की सेना तथा प्रधानमंत्री को छोड़ चीन के राजपूत से डोकलाम की स्थिति पूछना सबसे बड़ा जुमला था। ताशकंद के टेबल पर सेना के जवानों ने जो युद्ध भूमि में जीता था वो हार गए। यही नहीं, तत्कालीन प्रधानमंत्री को पूछा जाता है कि किस दबाव में उन्होंने ये कदम उठाया, इसके लिए वह जीवित ही नहीं बचे। उनके परिवार पूछता रहा कि उनकी डायरी कहाँ है जिसे वह हर दिन लिखते थे। भारत के प्रधानमंत्री की डायरी ही गुम हो जाए और मिले ना, यह भी एक जुमला है। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कारगिल युद्ध की स्मृतियों को याद करते हुए कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2 जुलाई को उस वक्त युद्ध भूमि में गए जब युद्ध चरम पर था और देश के वीर जवानों का हौसला बढ़ाया। हमने सरकार में रहते हुए निर्णय लिया कि कारगिल युद्ध में हुए शहीदों के परिवारों के बच्चों को जहां तक वह पढ़ाना चाहे प्रदेश सरकार पढ़ाएगी। कई परिवारों को नौकरी दी गई तो कईयों को पेट्रोल पंप। हमने सरकार की तरफ से 2.5 करोड़ रुपए देकर सैनिक वेलफेयर फंड स्थापित किए। इस फंड से युद्ध के समय शहीद हुए सैनिकों के परिवार को 5 लाख, शांति काल में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को 3-3 लाख तथा पैरामिलिट्री के शहीद हुए जवान के परिवारों को 1 लाख रुपए देने का निर्णय लिया, जो उस समय पूरे देश में सबसे अधिक था। हालांकि बाद में ये राशि और बढ़ गई। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने सैनिकों के देशों के लिए किए जाने वाले बलिदान का सम्मान करते हुए शहीदों के पार्थिव शरीरों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की। ECH के माध्यम से पूर्व सैनिकों को लाखों रुपए के स्वास्थ्य लाभ मिले, यह व्यवस्था भी भाजपा सरकारों ने दी है। वन रैंक वन पेंशन के माध्यम से सैनिकों को लाखों रुपए का लाभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुंचाया, जिसके लिए 12,500 करोड़ रुपए के प्रावधान किए गए हैं। कारगिल विजय दिवस में सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों राइफलमैन दिनेश कुमार, राकेश कुमार, सुनील कुमार, हवलदार राजकुमार व कश्मीर सिंह के परिजनों को पूर्व मुख्यमंत्री ने स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर कुछ पूर्व सैन्य अधिकारी विधिवत रूप से भाजपा में शामिल हुए, जिनका पूर्व CM ने पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर कर्नल रमेश शर्मा, जिला अध्यक्ष अनिल ठाकुर, कैप्टन कालिदास और कैप्टन रंजीत सिंह ने भी कारगिल युद्ध तथा देश की रक्षा करने वाले सैनिकों की वीरता पर अपने विचार व्यक्त किए।